हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़, स्वागत आपका आज के इस वीडियो में। तो इस तरफ खड़ी अपने पास 2022 मॉडल होंडा S125 और इस तरफ अपनी 2020 मॉडल होंडा S125। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है, जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तब इसमें क्या दिया जाता था और आज के टाइम में इस बाइक में आपको क्या दिया जाता है। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ऑल ओवर आपको बताऊंगा दोनों बाइक के बारे में डिटेल कंपैरिजन। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा कोई वीडियो देख रहे हो, आपको इस टाइप के बाइक रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे ही बाइक नॉलेज के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। और वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से, मतलब ये दोनों बाइक है, इनमें से मेरे हिसाब से कौन सी ज़्यादा अच्छी बाइक है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं दोनों बाइक का डिटेल्ड कंपैरिजन। तो यार स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, और सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे ग्राफिक्स की। यहाँ पे जो न्यू वाली बाइक है इसमें जो ग्राफिक्स है थोड़े से आपको ब्राइट देखने को मिलेंगे, और लुकिंग वाइज थोड़ी सी अच्छी लग रही है बाइक, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है ना यार थोड़े से ब्राइट है, ये आप देख सकते हो। जबकि पहले वाली की अपन बात करें जो मेरे पास है, इसमें थोड़े से डार्क कलर है, ये आप देख सकते हो, और ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखो इसमें अलग से ग्राफिक्स है, और यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन वगैरह नहीं है, सिंपल है। बाकी जो नई वाली है इसके अंदर देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो कलर है थोड़े से ब्राइट है, तो दिखने में थोड़ी सी लुकिंग वाइज ज़्यादा अच्छी लग रही है, और वो थोड़ी सी डल है। तो ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, बाकी आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, तो इसकी फेयरिंग है इस बाइक की। इसमें यहाँ पे न्यू जो मॉडल है 2022 मॉडल, इसमें यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर का देखने को मिलता है विद ग्लोसी फिनिश, ये देख सकते हो। लुकिंग वाइज सच में यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं पे अपन बात करें ओल्ड मॉडल की, तो इसमें आपको ये पूरा जो पार्टीशन है ये आपको ग्रे कलर का देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा ग्रे है, यहाँ पे ये भी ग्रे है और ये वाला, जबकि इसमें ये पूरा यहाँ पे ब्लैक दे दिया गया है। तो लुकिंग वाइज जो ये चीज़ है ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ऐसा का सेम टू सेम इन्होंने पीछे भी किया है, पीछे भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो पीछे भी यहाँ पे जो कलर है, ये जो पूरा पार्ट है पीछे वाला, बैक पैनल जिसको बोलते हैं अपन, ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पे ब्लैक कर रखा है, और उसके ऊपर ये ग्राफिक्स ऐसे दे दिए गए हैं। जबकि पुराना वाला जो मॉडल है इसमें यहाँ पर पूरा ये ग्रे कलर का, जिसके ऊपर ये ग्राफिक्स दिए हैं। तो यहाँ पर जो पूरा पार्ट है यहाँ तक का, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक का, इसको पूरा इन्होंने ब्लैक कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वाला ब्लैक पार्ट है जो उन्होंने किया है। तो ओवरऑल जो लुकिंग है ना इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये वाला जो बाइक है, जो न्यू मॉडल है, इसकी लुकिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ब्लैक देखने को मिल जाता है, बाइक पूरी ब्लैक है। इसके अलावा जो पीछे का कलर है वो भी ब्लैक कर दिया गया है। तो लुकिंग वाइज यार मुझे 2022 मॉडल है ज़्यादा पसंद आ रहा है, बाकी आपको कौन सा पसंद आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बात करें अगले अपडेट की, तो वो देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रे ब्रेल है, ये पूरा ब्लैक फिनिश के साथ इन्होंने दिया है। ये न्यू मॉडल है 2022 मॉडल, तो उसमें पूरा ब्लैक कर दिया गया है, जबकि पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता था, ये देख सकते हो। और ये कॉस्ट कटिंग करी है होंडा ने, सही बता रहा हूँ। ये वाला जो ग्रे ब्रेल है काफ़ी अच्छा है, इसकी ग्रिप भी काफ़ी शानदार है। और ये क्या है कि इसके ऊपर जैसा है तो ये अंदर वाला ही इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर ये रबर का कवर भी चढ़ा हुआ है, तो इसकी जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी है, और ये कम्फर्टेबल भी है थोड़ा सा, ये देख सकते हो आप। तो ये जो चीज़ है ये इस बाइक में ज़्यादा अच्छी है, जो पुराना वाला मॉडल है इसमें चीज़ ज़्यादा अच्छी है। बात करें यहाँ पे एक और बड़े अपडेट की, तो ये जो नया मॉडल है 2022 मॉडल, इसमें आपको साइड कट ऑफ सेंसर दे दिए गए हैं। तो जैसे ही आपकी बाइक में आप गियर डालते हो, अगर आपका साइड स्टैंड नीचे है तो आपकी बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये सेंसर ऐड कर दिया गया है, आपको दिखा भी देता हूँ मैं, ये आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इस ये जो चीज़ दी है इसके बदले इन्होंने कॉस्ट कटिंग भी करी है, जो कि आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो 2022 मॉडल में एक अच्छा फीचर आपको ये देखने को मिल जाता है, जबकि अपनी ये जो बाइक है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल स्टैंड है इस बाइक के अंदर, ये देख सकते हो आप, तो इसमें कोई भी सेंसर वगैरह नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल स्टैंड है। जबकि जो 2022 मॉडल है इसके अंदर यहाँ पर आपको ये सेंसर वाला, ये देख सकते हो, सेंसर वाला साइड स्टैंड देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा मीटर की तरफ में, तो जो मीटर उसमें कोई भी बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं किया है होंडा ने। जो मीटर सेम आपको मीटर देखने को मिल जाएगा जैसे अपने बाइक का मीटर है, बस इसमें जो एक इंडिकेटर है साइड स्टैंड का वो ऐड कर दिया है। ये अपनी बाइक है, इसमें कोई भी यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर नहीं है, जबकि इस बाइक के अंदर है। और अब इसकी बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो एक बार मैं इसको किक से स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो अभी एक बार मैं साइड स्टैंड इसका नीचे करता हूँ, पहले देख सकते हो आप ये साइड स्टैंड यहाँ पर नीचे नहीं है। अभी जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सेंसर का ये इंडिकेटर आ चुका है कि आपका साइड स्टैंड नीचे है। और जैसे इस बाइक को मैं गियर में डालता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ तो गियर में डाला, बाइक ऑटोमेटिक बंद हो गई। तो ये एक बड़ा अपडेट किया है इस बाइक के अंदर, जो न्यू मॉडल है 2022 मॉडल, इसमें ये अपडेट किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉस्ट कटिंग करी है वो आपको दिखा देता हूँ मैं अब।
यहाँ पे ये अपना पुराना वाला मॉडल है, देख सकते हो। और इसमें यहाँ पे जो आपको ये निसन की ब्रेकिंग मिलती है, इसमें आपको ये दो वायर देखने को मिलते हैं, देख सकते हो। डबल कैलिपर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो दो वायर है। तो ब्रेकिंग इस बाइक की थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी ये जो न्यू मॉडल है, इसमें आपको यहाँ पे एक ही वायर देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो एक वायर है, जबकि दूसरा वाला वायर यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तो सिस्टम है थोड़ा छोटा है इसका, देख सकते हो निसिन की ब्रेकिंग है ये, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ब्रेकिंग। और यहाँ पे आपको ये ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, जो ये सिस्टम है ब्रेकिंग का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। एक बार गौर से देखना आप यहाँ पे भाई, ये सिस्टम देख लो एक बार अच्छे से आप। इसमें ये दो वायर आ रखे हैं, डबल कैलिपर है यहाँ पे, ये देख सकते हो। और जो दूसरी वाली है, इसमें यहाँ पे छोटा कैलिपर है, छोटा यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। तो ये जो बाइक है 2022 मॉडल, इसमें आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। तो यार अभी मेरी GoPro की बैटरी खत्म हो चुकी है, तो मोबाइल से थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे ये जो बाइक है 2020 मॉडल जो मेरे पास है, इसके अंदर ग्राफिक्स है वो इतने अच्छे नहीं है, जबकि 2022 मॉडल में ग्राफिक्स अच्छे हैं। अब ये बात करते हैं कि 2020 में क्या अच्छा मिलता है और 2022 में क्या अच्छा मिलता है। तो जो 2022 मॉडल है, इसमें ग्राफिक अच्छे मिलते हैं, और जो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, ये आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। और लुकिंग वाइज 2022 मॉडल ज़्यादा पसंद आ रही है मेरे को, ज़्यादा अच्छी लग रही है, जैसा कि आप भी देख सकते हो। बाकी ये बात करें कि 2020 मॉडल है जो कि अभी तक आ रहा है, इसमें क्या अच्छा मॉडल है, मतलब क्या इसमें अच्छा मिलता आपको, तो यहाँ पर ये देख सकते हो। जो कि यार ये तो अभी भी आपको नहीं मिलेगा, अगर आप अब भी लेना चाहोगे तो ये चीज़ तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो ओल्ड मॉडल है, जैसा कि अभी तक आ रहा है, ये जो 2022 मॉडल है, इससे पहले वाला जो मॉडल है, उसके अंदर भी आपको ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। ये वाला जो है ब्रेकिंग आपको काफ़ी सही मिलती है, जबकि इसमें ब्रेकिंग थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो बस यही फ़र्क है कि इसमें ब्रेकिंग आपको थोड़ी सही मिलेगी, जबकि इसमें साइड असिस्टेंट कट ऑफ सेंसर मिल जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से आपको कौन सी बाइक लेनी है। ये जो मॉडल है बहुत ही कम अब इसकी यूनिट बची हुई है, किसी शोरूम पर अवेलेबल है, किसी पर नहीं है। बाकी अधिकतर शोरूम पर ये वाला जो मॉडल है, न्यू मॉडल, ये आ चुका है। तो दोनों से कोई सा भी आप ले सकते हो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। मेरे को तो यार न्यू वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप लो स्पीड में चलते हो तो इतना कोई खास ब्रेकिंग का फ़र्क आपको लगेगा नहीं, मतलब 60 की स्पीड तक तो बिल्कुल दोनों की ब्रेकिंग सेम ही मिलेगी। हाई स्पीड में उसकी ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी रहेगी, इसकी थोड़ी सी कम रहेगी। तो अगर आप सीटी वगैरह में चलते हो और स्पीड ज़्यादा नहीं है आपकी, 50-60 चलते हो, तो इस बाइक को बेझिझक ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बाइक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइस वगैरह की, तो प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है 1800 के समथिंग, अप्रोक्स 1000 रुपये की समथिंग प्राइस बढ़ी है। अब इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,01,000 के समथिंग है, और वो जो थी पहले वाली उसकी 1,00,000 के समथिंग थी, तो थोड़ी सी प्राइस बढ़ी है। और ये आपको एक चीज़ है, ये भी साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दे दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज़ वगैरह हुआ है। तो यार यही था आज के इस वीडियो में, इन दोनों बाइक का मैंने डिटेल कंपेरिजन करके आपको बताया। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से इन दोनों से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है, और आपको इन दोनों से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। बाकी आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे ही बाइक नॉलेज के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। बाकी किसी बाइक का आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। SP का आपको कोई और वीडियो देखना है, ये 2022 मॉडल का कोई और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अपनी जो बाइक है अपाचे RTR 165 RP, उसके भी काफ़ी सारे वीडियो और आने वाले हैं, जिसमें माइलेज टेस्ट वगैरह रहेगा और ड्रैग रेस वगैरह काफ़ी सारे वीडियो और आएंगे, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसी बाइक के बारे में कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पे मेरी आ रही है। इंस्टा पर आप किसी भी बाइक के बारे में मेरे से बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू बाइक परचेस करनी है, कुछ सजेशन वगैरह चाहिए, तो इंस्टा पे आप डिटेल से मेरे से उस बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को एंड करता है यहीं पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।